अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये मेरा चैनल हैदराबादी निज़ाम है और इसमें मैं रिएक्शन वीडियोस डालता हूँ। तो इस बार ये जो रिएक्शन वीडियो है उसका नाम है दिस वीडियो कैन चेंज योर लाइफ हु इज़ अल्लाह। और ये वीडियो है मोहम्मद अली नाम कर जो ट्रेनर हैं एजुकेटर हैं। और ये बहुत अच्छी लगी मुझे वीडियो, इसलिए मैं इस पर रिएक्शन दे रहा हूँ। इसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि कौन है अल्लाह कौन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अल्लाह को नहीं पहचानेंगे कि इबादत में जो इखलास और जो दिल से जो इबादत होगी वो नहीं होगी जब तक आप अल्लाह को नहीं जानेंगे। और हमें ये देखना ज़रूरी है कि क्या हम हर दिन क्या अल्लाह के करीब आ रहे हैं, हर दिन हम अपने अमल से अल्लाह के करीब आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं। चलिए वीडियो देखते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट खुदा के लिए अल्लाह को जाने, सबसे बड़ा नॉलेज अपने रब को पहचानो। रब को पहचानने की सोर्स क्या है? कुराने मजीद, हदीस, सहाबा के अकवाल, उनकी बुक्स लिखी हुई, बाकी सेकेंडरी है। बुल्ले शाह की शायरी सेकेंडरी है, बाबा फरीद की शायरी सेकेंडरी है, अच्छी है वो शायरी, लेकिन वो सेकेंडरी सोर्स है। बॉलीवुड की मूवीज तो बिल्कुल भी नहीं है रब को पहचान, क्योंकि बॉलीवुड को फॉलो करेंगे तो बॉलीवुड कहता है कि इश्क का जादू सर चढ़कर बोले, खूब लगा लो पहरे, रस्ते रब खोले। ये रब की डेफिनेशन है बॉलीवुड के नजदीक कि खूब इश्क लड़ाओ, रस्ते कौन खोलेगा? अल्लाह। अल्लाह कहते हैं बेशर्मी के रस्ते अल्लाह कैसे खोलेगा, और वो कह रहा है रस्ते रब खोले। कि बेड़ा गर्क कर दिया अल्लाह के नॉलेज का हमारी यूथ को बॉलीवुड। एक अजीब इमेज अल्लाह सुब्हानहू तआला की दिखाई, रब की एक अजीब इमेज उन्होंने पेश की, और हमारे बच्चों को गॉड का जो कॉन्सेप्ट टीवी सीरीज से और कार्टून मूवीज से पता लग रहा है, आप सोच सकते हैं, है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, एक्समैन, वो ही दुनिया को सेव कर रहे हैं, अल्लाह है ही नहीं बीच में। किसी एक मूवी में मुझे दिखा दे कि कभी हीरो ने अल्लाह के आगे हाथ उठा के दुआ की, या किसी एक मूवी में कोई अल्लाह का कॉन्सेप्ट आया हो, गॉड को उन्होंने दाखिल किया हो कि गॉड से मदद मांग रहा है। क्या सीख रहे हैं हमारे बच्चे? अल्लाह का पता ही नहीं उन्हें, सोर्स ऑफ पीस का, सोर्स ऑफ विजडम का उन्हें पता ही नहीं। तो जब अल्लाह का ही नहीं पता आपको, आपने कैसे जिंदगी गुजारनी है, आपने कैसे मुश्किलों के साथ लड़ना है? सहाबा को लग गया था पता अल्लाह का, इसलिए सहाबा में से खालिद बिन वलीद जैसे लोग पैदा हुए, जिन्होंने खड़े खड़े जहर पी लिया था दुआ पढ़ के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और कुछ भी नहीं हुआ। पर्शियन किंग के सामने जहर पी गए, कहते दिखाओ वो जहर जो तुमने तीरों पर लगाया, पी गए, कुछ भी नहीं। अल्लाह का अल्लाह के नामों में से कुछ नाम आपको बताता हूँ, और जस्ट फील कि आपने कितनी बड़ी चीज मिस की, अल्लाह का नॉलेज मिस किया। अल हकीम, अल्लाह का एक नाम, द मोस्ट वाइज, कभी गलती नहीं करता, कभी गलत फैसला नहीं करता, आपके लिए जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है, उसके पीछे बहुत बड़ी हिकमत है जो आपको क्यामत वाले दिन पता लगेगी और आप शर्मिंदा हो जाएंगे। जब आपके सामने वीडियो चलेगी ना कि ये रोते थे ना तुम, ये चीज मैंने तुमसे क्यों ली, इस शख्स को मैंने तुमसे क्यों दूर किया, इस खातून को मैंने तुमसे क्यों दूर किया, रोते थे ना, ये देखो क्या होने वाला था तुम्हारे साथ, फिर आपको पता लगेगा। हजरत खिजर ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्या सिखाया था, सूरह काफ में क्या है, कश्ती में शगाफ डाल दिया हजरत खिजर ने, कश्ती को फॉल्टी कर दिया, मूसा गुस्से हो गया, ये आपने क्या किया? उन्होंने कहा सवाल मत पूछो। एंड में बताया इस कश्ती में शगाफ मैंने क्यों डाला था, क्योंकि कश्ती एक गरीब लोगों के साथ बिलोंग करती है, और आगे एक जालिम हुक्मरान है, बादशाह है, वो वेट कर रहा था उस कश्ती को हथियाने के लिए, मैंने इसमें शगाफ डाला ताकि वो इसको फॉल्टी देखकर छोड़ दे। आपकी जिंदगी में जो शगाफ है, जो दाग है, जो पास्ट की मेमोरीज है, जो तकलीफ है, जो दर्द है, वो इसलिए है टू प्रोटेक्ट यू। उस कश्ती को प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ने उसमें शगाफ डलवाया, तो आपकी जिंदगी में भी शगाफ डलवाया टू प्रोटेक्ट। बाद आपको पता लगेगी क्यामत वाले दिन, फिर हम सजदे में गिर पड़ेंगे और रोएंगे। तो क्या ये बेहतर नहीं कि हम अल्लाह की हिकमत को अभी समझ लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें किसी भी हादसे पे, किसी भी मिसहैप पे? कितनी आसान हो जाएगी जिंदगी, कितने चैलेंजेस आसान हो जाएंगे, शिकायतें छूट जाएंगी, नफरतें खत्म हो जाएंगी, अगर सिर्फ इस एक नाम को समझ लें। नंबर टू, अल हफीज, द गार्डियन, द परफेक्ट गार्डियन, एक एक इंसान की हिफाजत करने वाला। इंसान तो दूर की बात, हदीस में आता है
काली रात में काले पत्थर के नीचे काली चींटी चल रही, अल्लाह को उसकी कदमों की चाह आ रही। अगर अल्लाह उसके कदमों की चाह सुन रहे, हाउ इज इट पॉसिबल कि आपकी कदमों की चाह नहीं सुन रहे? हाउ इज इट पॉसिबल आपकी सरगोशी नहीं सुन रहे? हाउ इज इट पॉसिबल आपके दिल की आवाज नहीं सुन रहे? कैसे सोच के आप दिन रात आपकी हिफाजत करने वाले? अवलम यरो इला तोयरी फौहुम साफातिन व यक्बिस मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान। क्या ये परिंदों को नहीं देखते कैसे उड़ते फिरते हैं? कौन उड़ाता है, कौन उनकी हिफाजत करता है? मा युमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान, रहमान के अलावा कोई नहीं उड़ाता। आप भी उड़े, परवाज करें उस आसमान में, आपको थामने वाली जात मौजूद है अल्लाह रब्बुल आलमीन, और वो थाम रहा है, उसने थामा हुआ है आपको। कितने मसले मसाइल से उसने आपको बचाया हुआ है, नहीं पता हमें। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया हमारे सामने खुल जाए ना, अगर बैक्टीरिया जरासीम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो आप पागल हो जाएंगे कि क्या हो रहा है, किस तरह आपको प्रोटेक्ट कर रहा है अल्लाह, किस तरह नोज को प्रोटेक्ट कर रहा है अल्लाह, किस तरह हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है अल्लाह, किस तरह इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है अल्लाह। आपका कंट्रोल जीरो है अपनी बॉडी पे, अल्लाह प्रोटेक्ट कर रहा है। सो दिस वॉज द वीडियो, आई थिंक अगेन बफरिंग प्रॉब्लम। सर जितना भी हुआ वीडियो मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ, इसमें उन्होंने और भी अल्लाह के नाम लिए हैं, साल हाफिज है, गार्डियन, अलमोमिन, सोर्स ऑफ सिक्योरिटी। तो ये बात सही है कि अल्लाह, मतलब अल्लाह पर हमें भरोसा करना चाहिए, और अल्लाह ताला अगर किसी को कुछ देना चाहे तो उससे, अल्लाह ताला हदीस में फरमाते हैं कि अगर अल्लाह किसी को कुछ देना चाहे तो उससे, अगर कोई पूरी दुनिया में जितने लोग हैं और जिन पूरे मिलकर भी वो चीज़ अल्लाह अगर किसी को अता करना चाहे तो उसको नहीं रोक सकते। अल्लाह अगर किसी को छीनना चाहे तो पूरी दुनिया और इससे हटके भी जो दुनिया में लोग हैं, जो भी चाहे अगर उसको से रोकना चाहे तो नहीं रोक सकते। नुकसान हो या फ़ायदा हो, अल्लाह ताला किसी को अगर पहुंचाना चाह रहे हैं तो पहुंचा कर रहते हैं। हमारा ईमान रहना चाहिए इस पर। मैं इसकी वीडियो और डालना चाहता था लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम है बफरिंग का, 2-3 बार ट्राई करा मैं पूरा करने का, नहीं हो मेरे हिसाब से कुछ प्रॉब्लम है, उसका देखेंगे बाद में। बहरहाल ये वीडियो को मैं आपका, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा नीचे, आप इसकी पूरी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको ये पसंद आया तो आप शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए।